दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लोन नहीं चुकाने वालों को बैंक नहीं कर सकता परेशान। हर ग्राहक के पास होते हैं ये पांच अधिकार, तो आइए जानते हैं। दोस्तों कोई आम आदमी अपने होम लोन या फिर पर्सनल लोन की ईएमआई अगर नहीं चुका पाता है और डिफॉल्ट कर जाता है तो ऐसा नहीं है कि लोन देने वाली कंपनी या फिर बैंक आपको परेशान कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हर ग्राहक के पास पांच अधिकार होते हैं। ऐसे कई नियम हैं जो उनकी ऐसी हरकत पर लगाम लगाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ना तो धमका सकता है और ना ही जोर जबरदस्ती कर सकता है। ये लोग अपना लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाएं तो ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी हद पार नहीं कर सकते। इस तरह के थर्ड पार्टी एजेंट ग्राहक से मिल सकते हैं, उन्हें ग्राहकों को धमकाने या जोर जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं है। वे ग्राहक के घर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही जा सकते हैं। वे ग्राहकों के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते। अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो ग्राहक इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं। बैंक से सुनवाई ना होने पर बैंकिंग ओवर्समैन का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं उन पांच अधिकारों के बारे में। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अपने कर्ज की वसूली के लिए कर्ज देने वाले बैंक वित्तीय संस्थान को सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। सिक्योर्ड लोन के मामले में उन्हें गिरवी रखे गए एसेट्स को कानूनन जब्त करने का हक है। हालांकि बैंक बिना नोटिस दिए ऐसा भी नहीं कर सकता। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योर्ड इंटरेस्ट एक्ट कर्जदारों को गिरवी एसेट को जब्त करने का अधिकार देता है। दोस्तों दूसरा अधिकार नोटिस का अधिकार। डिफॉल्ट करने से पहले आपके अधिकार छीने नहीं जा सकते और ना ही आप इससे अपराधी बनते हैं। बैंकों को एक निर्धारित प्रोसेस के पालन पर अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए आपकी संपत्ति पर कब्जा करने से पहले आपको लोन चुकाने का समय देना होता है। अक्सर बैंक इस तरह की कार्यवाही सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योर्ड इंटरेस्ट्स के तहत करते हैं। रूल नंबर 3, लोन लेने वाले को तब नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA यानी डूबे हुए कर्ज में डाला जाता है जब 90 दिनों तक वह बैंक को किस्त का भुगतान नहीं करता है। इस तरह के मामले में कर्ज देने वाले को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना पड़ता है। रूल नंबर 4, अगर नोटिस पीरियड में बोरोअर भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक एसेट की बिक्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि एसेट्स की बिक्री के लिए बैंक को और 30 दिन का पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें बिक्री के ब्यौरे की जानकारी देनी पड़ती है। रूल नंबर 5, एसेट का सही दाम पाने का हक एसेट की बिक्री से पहले बैंक या वित्तीय संस्थान को एसेट का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी के समय का भी जिक्र करने की जरूरत होती है। बकाया पैसे को पाने का अधिकार, अगर एसेट को कब्जे में ले भी लिया गया है तो भी नीलामी की प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए। लोन की वसूली के बाद बची अतिरिक्त रकम को पाने का लेनदार को हक है, बैंक को इसे लौटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे पांच अधिकार ग्राहक के जो उन्हें मिले होते हैं और बैंक लोन देने के बाद किसी तरह की जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।